ते नमोनमोचा जप करत असतील त्यांना आत्ता नाही कळणार, ज्या दिवशी त्यांच्या दरवाजावरती टकटक होईल ना त्या दिवशी त्यांना कळेल, आज नाही कळणार. हे जे अनेक नोकरी करणारे जे असतात ना नमो भक्त, त्यांचा मालक ज्या दिवशी बघायला येईल आणि त्यांच्यावरती येईल ना, कुराड बसेल ना, बसू नये खर तर, पण बसली ना उद्या, तेव्हा त्यांना कळणार आहे की काय घडलं आणि काय झालंय ते. आज अनेक लोक असे जे भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक जे म्हणून होते, जे अनेक कोणी सीए होते कोणी डॉक्टर होते, आज शिव्या घालतायत. मेरे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ. मैं 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ. पाई पाई करके मैंने जमा किया था. मैं पहला घर इस नवरात्रि में लेने जा रहा था. मोदी जी प्लीज कृपा कीजिए, आपका बहुत हो चुका. आप जो है गरीबों के ऊपर बार बार वार कर रहे हो, इतनी बार वार कर रहे हो कि गरीबों को जीने नहीं देना चाहते हो. आप किसको, किसकी सरकार चला रहे हो, किसके लिए आए हो? हमने सोचा था, मैं आपका इतना बड़ा फॉलोअर था, आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते, किससे भी पूछ सकते हो. मैं एक कट्टर मोदी पाद हूँ, लेकिन आज मैं रो रहा हूँ. मैं सभी मोदी भक्तों को बोलता हूँ कि अंधे भक्तों, आप लोग एक दिन कुएं में जाओगे, आप लोग मरोगे. इसके बावजूद प्रधानमंत्री को रिप्लाई नहीं करे. ये प्रधानमंत्री जो इस मुझे बोलती है कि ये जो है अंडर ऑफ आरबीआई है, ये अंडर ऑफ आरबीआई है. बट आरबीआई से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इतने सालों से आप क्यों बैठे थे, चुप बैठे थे. 35 साल से बैंक चल रही है. मैं भी फाइनेंस में जॉब करता हूँ. मुझे मालूम है एवरी ईयर ऑडिट होता है, तो चाहे कोई भी बैंक हो. आप जो है आप एनबीएफसी को जो है बैन करते हो. एनबीएफसी भी अपनी एफडी जो है गरीबों को दे रही है, वो अपने पैसे में से दे, वो चाहे जहाँ से ला के दे. एनबीएफसी भी अपने ट्रिपल ई जो एनबीएफसी होती है, लाइक डीएचएफएल हो गया, इंडिया बुल्स हो गया, जो भी है. जय हिंद मोदी जी. मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ कि इंडिया में. पाकिस्तान की मंदी तो समझ में आती है, पेट्रोल का भाव समझ में आता है, उनके रुपयों की गिरावट समझ में आती है, लेकिन ये इंडिया का क्या? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे, सब टैक्स भर रहे, जीएसटी भर रहे, इनकम टैक्स भर रहे, दुनिया का सेल टैक्स भर रहे, एलआईसी भर रहे, सर पे बोदरेसन ले लेके मरने के लिए हम लोग जी रहे. मतलब मरने के लिए भी सोचना पड़ रहा है अभी कि मरेंगे तो एलआईसी मिलेगा कि नहीं, एलआईसी वाला हमको रिटर्न देगा कि नहीं, कब हमारी ये मंदी सुधरेगी. आपने हमको वचन दिया था, हर चीज का वचन दिया था कि सब लोग सुखी एकदम संपन्न होएंगे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 लाख की बात कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ना ही 15 लाख मुझे अकाउंट में चाहिए, लेकिन हमारे बिजनेस का क्या? 90,000 करोड़ आपका जीएसटी आता है, 1 लाख करोड़ आपका जीएसटी आता है, ये सब पैसे कहाँ जा रहे? आप घूम रहे हो स्विट्जरलैंड, रसिया, यूएसए. मैं भी बीजेपी का एक समर्थक हूं. मैं बहुत दिनों से डीपीओ पे आपका फोटो निकाल के रख दिया हूं. क्यों? क्योंकि मुझे पब्लिक गाली दे रही है, अभी मेरे पर चढ़ाई कर रही है. विकास के नाम पे आपने हमारा खून कर दिया, खून. मैं आज डंके की चोट पे बोल रहा हूं, हम लोग अब कम से कम 20 साल तक नहीं सुधरेंगे. ना हमारा अर्थतंत्र अच्छा होगा, ना फीस जाएगी, ना ईएमआई जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है. अब मुझे फाइनल जवाब ये दीजिए कि हम लोग को यहाँ रहना है इंडिया में, या अभी हम लोग भी बिस्तरा पोटला बांध के निकले कोई और देश में. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मंत्री लोग, तुम लोग हमारे दहशतवाद से भी भयंकर हो. कम से कम उन लोग एक बॉम्ब डाल के एक ही झटके में इंसान को खत्म करते, पर आप लोग हमें रोज रोज मारे जा रहे हो. हमारा जिंदगी हराम करके रख दिया है. इन 6-7 साल में मैं हर बार हर रोज एक एक स्क्रैचेस में जी रही हूँ. पहली बार तुम्हारा एसआरए रूम का, जो कि झोपड़पट्टी पुनर्निवासन में आ रहा है, उसमें तुम लोग ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, उसमें हमारे गरीब जनताओं को तुम लोग ने बर्बाद करने के रख दिया है.
तुम लोग ने कहा कि जिस नाम के रूम है उसी के नाम पे वो रूम जाएगा। क्या हम लोग ने गुनाह किया है? हम लोग ने रूम खरीदी किया अपने पैसे से, अपने नामों से, किसी का लूटा नहीं है। इस एसआईए रूम में तुम्हारा मंत्री लोगों ने, तुम्हारा म्हाड़ा के अधिकारों ने कितने सारे रूम्स अपने जेब में डाल दिए, आप लोग उनको जाके पूछते नहीं हो। दूसरी बार सहारा इंडिया का प्रॉब्लम आया, उसमें भी हमारी एफडी फंस चुकी है। 3 साल हो गया मेरा मैच्योरिटी डेट का, एफडी आज तक मुझे नहीं मिला है। ये दूसरा स्क्रैच है। तीसरा स्क्रैच है, आपने नोटबंदी की उसमें आपने जीएसटी लगा के हमारी जिंदगी हराम करके रख दी है। 100 रुपए का बिल जो आता था हमें बनिया से, 100 रुपए का अगर बिल हम लोग लेते हैं तो हमें 100 रुपए का ही बिल मिलता है, पर आज तुम्हारे जीएसटी वीएसटी सब कुछ लगाने के बाद वो बिल हमें 120 रुपए में पड़ रहा है। तुमने नोटबंदी करके कौन सा पैसा ब्लैक मनी लाके दिया जो हमारे प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए खर्च किया? बताओ हमें, आप लोगों ने क्या किया है? उसके बाद आज आपने पीएमसी का प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसमें मेरी माँ का पैसा, मेरा पैसा, मैंने एफडी बना के रखा हुआ है, उस पैसे से मेरी माँ को ब्याज जाता था, आज मैं मेरी माँ को ब्याज कहाँ से दूँ? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारे से अच्छे अच्छे तो दहशतवादी लोग हैं जो एक ब्लास्ट में हम लोग का एक ही दिन में खत्म करते, पर तुम लोग उससे भी बहुत भयंकर हो। तुम लोग की बर्बादी निश्चित है। तुम्हारे घर बार, तुम्हारे परिवार आज हमारे परिवारों से चलते हैं। तुम्हारे बच्चों की परवरिश मंत्री लोग आ रहे हैं, सबका परवरिश आज हमारे बच्चों की बदौलत, हमारे भविष्य के बदौलत चल रहे हैं। तुम लोग आज हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो, इसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। आज तक हम लोग चुप बैठे हो, आज दशहरे के पहले हमें इस बात का पैसा मिल ही जाना चाहिए जो कि हमारी सब एफडी पीएफसी बैंक में है। मुझे एक एक पैसा रिटर्न चाहिए। जो तुम रावण को जलाने के लिए जाने वाले हो, वही मशाल आज तुम लोग अपने अपने घर में लेके जाओ और अपने बीवी बच्चों को जलाने के लिए काम में लेके आओ। हमारी आज तुम्हारे को इतनी हाई लगेगी कि तुम लोग कभी सुखी नहीं रह पाओगे। यह आज मेरा तुम लोग को वादा है, हम लोग एक एक आदमी लोग तुम लोग को कोई वोट नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। तुम जो जितना हमें बर्बाद कर रहे हो ना, कोई हमें उतना बर्बाद नहीं कर रहा है। तुम मंत्री लोगों ने हमारा जीना हराम करके रख दिया है, तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे, इतना याद रखना।